आज की वीडियो जो है वो आप लोगों में से 70-80% लोगों की मिस्टेक है, गलती है उस पर है कि आपको अब से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आपको जेन्युइन चाहते हो, आपकी स्किन पर एक भी पिंपल ना हो, आपकी स्किन बिल्कुल, आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल खराब ना हो, आपकी स्किन पर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ब्रेकआउट्स ना हो, पिंपल ना हो, आपके पोर्स क्लॉग ना हो, पोर्स क्लॉग होने की वजह से सबसे ज्यादा जो है वो हमारे जो भी कोई हम चीजें अप्लाई करते हैं हमारी स्किन के ऊपर उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पिंपल होते हैं। अगर आप चाहते हो ये सभी चीजों आपकी स्किन पर ना हो, आपकी स्किन एकदम हेल्दी ग्लोइंग रहे, तो आज की वीडियो डेफिनेटली देखना, आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। मैंने बोला 70-80% लोग ये हर रोज अपनी स्किन के ऊपर ये गलती करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं, और वो फिर बाद में बोलते हैं हमें इतने ज्यादा पिंपल हो रहे हैं, हमारी स्किन खराब हो रही है, हमारी स्किन के जो बैरियर है, स्किन का जो बैरियर है वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, स्किन बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो आज की इस प्रॉब्लम को हम समझेंगे और उसके बाद सीखेंगे कि अब से हमें ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। और अगर आप लोग भी आज से पहले ये मिस्टेक करते थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यस हम ये मिस्टेक करते थे। चलिए वीडियो को जल्दी देखिए। सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो मेरी एक बहुत प्यारी सी फॉलोअर्स है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करती है, देन यूट्यूब पर भी वो मेरे साथ कनेक्ट है, तो उन्होंने ना उनके पेज पे ना बहुत ज्यादा इस एरिया पर, नोज एरिया पर और बहुत सारी पिगमेंटेशन थी, तो मैंने उनको पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट बताया। तो मैंने उनको ये भी बताया कि अगर आप सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करते तो आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है, तो वो बोले लगे कि ठीक है कि मैं सनस्क्रीन जो है वो डेली बेसिस पे अप्लाई करूंगी। अच्छा, सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद उनको होने लगे पिंपल, तो उन्होंने मेरे को कमेंट करके बोला कि मुझे ना सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद पिंपल होने लगे। तो मैंने उनसे पूछा सनस्क्रीन से तो कभी भी पिंपल नहीं होते, और वो सनस्क्रीन तो आपकी स्किन टाइप की है तो आपको पिंपल कैसे हुए। तो उन्होंने, मैंने आपको उनको बोला कि भाई आप अपनी स्किन पर जब भी सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो उसको रिमूव करते हो ना, तो उन्होंने बोला रिमूव क्यों करना, वो तो हमने लगा ली, और लगाने के बाद हम फेस वॉश करके, मतलब सुबह लगाते हैं और नाइट में फेस वॉश कर लेते हैं। तो मैंने कहा जब आप बाहर जाते हो, बाहर से आते हो, तो क्या फेस को वॉश करते हो, सनस्क्रीन को रिमूव करते हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो सबसे बड़ी मिस्टेक, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, 70-80% लोग ये मिस्टेक हर रोज करते हैं। हर रोज का मतलब जानते हो आप लोग, हर रोज प्रतिदिन ये चीज करते हैं, फिर उनको सीरियर एक्ने होता है क्योंकि सनस्क्रीन सिलिकॉन बेस्ड होती है, जेल बेस्ड होती है और वाटर रेसिडेंट होती है, जो पानी या फिर फेस वॉश से नहीं धुलती। उनको हमें क्लींजिंग बाम से या फिर किसी भी क्लींजिंग ऑयल से या फिर हमें मिसलर वाटर से उनको पहले क्लीन करना पड़ता है, उसके बाद फेस वॉश करना चाहिए। तो एक फेस वॉश, एक जो सनस्क्रीन है उसको रिमूव करने का एक प्रॉपर वे क्या है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप अपनी स्किन पर सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो उसको सही वे में रिमूव कैसे करना चाहिए जिससे आपकी स्किन पर एक भी पिंपल ना हो। तो जस्ट मैं भी बाहर गई हुई थी किसी काम से और 2 घंटे में धूल मिट्टी और पॉल्यूशन में रही हूं, और मैं जब घर आई तो मुझे सबसे पहले यही वाला टॉपिक जो है वो याद आया। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले सारी चीजें छोड़ के इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, लड़के लड़कियां यही मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनकी स्किन पर पिंपल, ब्रेकआउट बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होते हैं, खासकर गर्मियों में। सर्दियों में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन गर्मियों में सनस्क्रीन लगाने के बाद हम धूल मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो सनस्क्रीन के ऊपर की लेयर पर जो है वो धूल मिट्टी चिपक जाती है। अगर हम उसको रिमूव नहीं करते तो वो, देखो सनस्क्रीन तो हमारे स्किन के पोर्स को ब्लॉक करती है, साथ के साथ में मैंने आज सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन अप्लाई करी है, तो उसको रिमूव करना सबसे बड़ा टास्क है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं सनस्क्रीन को कैसे रिमूव करती हूँ, और अब से आप लोगों को भी सनस्क्रीन उसी तरीके से रिमूव करनी है जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, उसी सेम वैसी वे में। तो चलिए वीडियो को स्क्रीन के लिए, ये जो मैंने कॉटन पैड लिया है ये मैंने जूडियो से लिए थे, देखिए आपने जूडियो का है, और ये 79 रुपीज में आई थिंक मुझे 100+ कॉटन पैड्स मिले थे, जो आपके अगर आप 30 मंथ होते हैं यानी 3 से 4 महीने ये आपके आराम से चलेंगे, 3 महीने तो लगा के चलो आप, ज्यादा भी चल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से मैं एक कॉटन पैड लूंगी और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो आप किसी भी लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, 100 में आपको 100 कॉटन पैड्स मिल जाएंगे या फिर और भी सस्ते आते हैं मिला आपको जैसे भी, पर पैड्स की क्वालिटी अच्छी लेना क्योंकि हमने अपनी स्किन पर इसको रब करना है। उसके बाद मैं लूंगी गार्नियर का मिसलर वाटर, देखो आपको कितना यूज हो चुका है, मैं बड़ा वाला पैक खरीद लेती हूँ, ये सस्ता पड़ता है और हमें हर रोज इसी से ही सनस्क्रीन को, जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो सनस्क्रीन को इसी से रिमूव करती हूँ या फिर बाहर से आती हूँ धूल में, अगर सनस्क्रीन नहीं भी अप्लाई करी है तो धूल मिट्टी के कॉन्टेक्ट में आने के बाद भी मैं सनस्क्रीन को इसी से अप्लाई करती हूँ। तो देखिए आप सनस्क्रीन को अप्लाई कैसे करना है, आपको कॉटन पैड ले लिया, कॉटन पैड पर आपने मिसलर वाटर ले लिया, आप क्लींजिंग ऑयल भी ले सकते हैं, कोई भी क्लींजिंग ऑयल आप ले लीजिए, उससे अच्छी तरीके से जो भी आपने सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई की है उसको आपको रिमूव करना है। क्लींजिंग ऑयल ले सकते हैं अगर आपकी स्किन ड्राई है, और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मिसलर वाटर या फिर क्लींजिंग बाम भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारे आते हैं। आप कोकोनट ऑयल अगर आपको सूट करता है, आपकी स्किन पर कोकोनट ऑयल से पिंपल नहीं आते, तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं,
तो बजट में प्लम का आता है और भी बहुत सारे ब्रांड्स का आता है जो है, क्लींजिंग बाम आता है, आप वो भी ले सकते हो। उसको आपको लेना है, अपनी स्किन के ऊपर रब करना है, बहुत माइल्ड होता है, और उसके बाद आपको उसको वाइप कर देना और फेस वॉश करना है, बस इतना सा आपको रहता है। देखो सनस्क्रीन अप्लाई करना भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यूवी रेस, सन की यूवी रेस से आपको प्रोटेक्ट करती है। और आपको पता है साथ के साथ में इसके इतने सारे बेनिफिट है ना, आपको एंटी एजिंग से बचाता है, आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन को, अगर आपको बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो रही है और आप धूप के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ये देखिए पहले एक मिनट में पैक कैमरे से आप शो कर। तो देखा आप लोगों ने कितनी ज्यादा जो है वो हमारी स्किन के ऊपर ऑयल डस्ट होता है जो कि हमें दिखाई बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन वो क्या करता है ना, हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से हमें सबसे ज्यादा पिंपल होते हैं। तो आप लोगों को अब से ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, जब भी आप बाहर से आएंगे सनस्क्रीन अप्लाई करके तो उसको अच्छे से, आपके पास जो भी चीज आप उससे अपने उसके अपने फेस से उसको रिमूव करेंगे सनस्क्रीन को, उसके बाद आप किसी भी माइल्ड फेस वॉश से अपने फेस को धो लेंगे और ये हो गया डन। ठीक है, ये आपका डन हो गया, आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस 1 से 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये 1 से 2 मिनट जो है वो आपकी बहुत सारी चीजों को बचा सकते हैं। मैं फेस को वॉश के बाद देखिए मैं अप्लाई करूंगी डीआईवाई फेस वॉश। तो डीआईवाई फेस वॉश के लिए मैं अप्लाई करने वाली हूँ मेरा बेसन का फेस वॉश, तो मैं इसमें से थोड़ा सा बेसन लूंगी, जस्ट थोड़ा सा। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा वाटर, आप इसमें इस टाइम पर कर्ड भी ऐड कर सकते हैं, और अपने फेस पर सिंपली मसाज करनी है आपको बेसन के साथ में। ये देखिए सिंपली आपको बेसन के साथ में अपने फेस पर, मैंने बहुत कम क्वांटिटी ली है और आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर ब्लैक ब्लैक माउथ के अराउंड ब्लैक ब्लैक हो रहा है तो आपको यहाँ भी मसाज करनी है इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए अगर आपको यहाँ पर क्रीज लाइन बनती है, ब्लैक ब्लैक स्किन हो रही है, तो इस तरीके से मसाज करनी है इस तरीके से। तो हम फेस को वॉश करके आएंगे। फेस को वॉश करने के बाद आप मेरी स्किन पर देख सकते हैं इतना अच्छा सा ग्लो, इतनी अच्छी सी चमक आ रही है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ ना कि डे में एक बार फेस वॉश, मॉर्निंग में मैं इस वाले फेस वॉश से वॉश कर लेती हूँ अपना फेस, और नाइट में जो है वो किसी अच्छे से फेस वॉश से, या फिर नाइट में जो मैं इससे करती हूँ फेस वॉश, मॉर्निंग में किसी और, मतलब दो फेस वॉश में यूज करती हूँ, हर्बल और मार्केट वाला, देख सकते हैं। इसके बाद एलोवेरा जेल लगाकर आपकी स्किन हो गई बिल्कुल क्लीन, आपको कोई भी जो कहते हैं प्रॉब्लम नहीं होगी स्किन पर, कोई भी पिंपल नहीं होगा। बस आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली मिसलर वाटर के साथ में अपनी स्किन को, सनस्क्रीन को क्लीन करना, उसके बाद अपना किसी भी फेस वॉश के साथ में मुंह धो देना, उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेना, आपकी स्किन रेडी है। देखिए एकदम गुगलू मुगली मोक्षी वाली, देखिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो और मेरी वीडियो आपने यहां तक देखी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट लेके आती हूँ आपकी स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड, जिससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, क्योंकि इंस्टा पर मैं शॉर्ट कॉन्टेंट बनाती हूँ और वहां पर मैं सबके डीएम्स की रिप्लाई करती हूँ। अगर आप भी चाहते हो आपकी स्किन की प्रॉब्लम, या फिर आप अपनी स्किन की मुझे फोटो सेंड कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको एक प्रॉपर अच्छा स्किन केयर रूटीन बताऊंगी। और आपको विश्वास नहीं तो मुझे इंस्टा पे डीएम करके देखना, मैं वहां पर बहुत सारी फोटोज आती है लोगों की, मैं आपको शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, जिनके आप स्किन की देख के कंडीशन शॉक होने वाले हो, क्योंकि उनको मेरी होम रेमेडी से कितना सारा बेनिफिट हो रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लेना। बाय बाय एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक।